इस वक्त हमारे साथ राबिया खान लंदन से मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राबिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। हाल फिलहाल में आपने फेसबुक पर, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए खुलकर अपनी बातें रखी हैं। पहला सवाल यह है कि आपको क्यों लगता है कि जिया खान की मौत और सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक जैसी है, कनेक्शन आप क्या देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप लोग इन डेथ्स को सुसाइड कहना बंद कर। ये तो पुलिस की बनाई हुई कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज हैं, जो हमारे केस में सीबीआई ने भी डिसमिस कर दिया कि पुलिस ने ही कॉन्कॉक्टेड किया था ब्रेकअप बुके का, कि ब्रेकअप की वजह से जिया ने सुसाइड कर लिया। 6 पन्ने लेटर जो है वो भी सीबीआई ने आउटराइट डिसमिस कर दिए कि जिया के पास कोई टाइम ही नहीं था कि वो 6 पन्ने लिखे और सुसाइड नोट छोड़े। सिमिलरली सुशांत का भी कोई, देयर वाज नो सुसाइड नोट, क्योंकि ये लोगों ने सुसाइड किया ही नहीं है। अब रही बात इसको कवर करने की, और इतनी सिमिलैरिटीज हैं दोनों के पार्टनर्स ने, आपको अच्छी तरह अब पता ही चल गया कि किस तरह इनको प्यार के झांसे में लपेटा, फिर शादी के वादे किए, फिर उनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया, उनके पैसे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, क्योंकि अब हम आपसे शादी कर रहे हैं तो आपका पैसा हमारा पैसा करके, और फिर उनके माँ बाप से और उनके चाहने वालों से उनको दूर करने लगे, क्योंकि वो इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि चाहते हैं बस ये हमें प्यार करे, हमें अटेंशन दे। पर जब अटेंशन स्लिप होने लगता है और कंट्रोल स्लिप होने लगता है, तो इन क्रिमिनल माइंड वाले पार्टनर्स को गुस्सा आ जाता है, इतना गुस्सा आ जाता है कि इनको मार देते हैं। मार के फिर अब क्या करें, अब उनको स्टेज कर देते हैं, पुलिस आके बचाती है, क्योंकि ये लोग तो नाम जाने माने लोगों के बच्चे हैं। अब उनके बाप जो है, माँ बाप जो है, वो पॉलिटिशियंस के साथ में दोस्ती रख रखी है, तो जाहिर है कि पॉलिटिशियंस के अम्ब्रेला के नीचे ये बच्चों की करतूतें ढक जाएंगी और ये बच जाएंगे। पुलिस के ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि आप इसको किसी भी तरह आप कवर कर। अब आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब कवर अप ही देख रहे हैं। अब ऐसा कवर, राबिया जी मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। सुशांत सिंह राजपूत के इस पूरे मौत मामले में आपको वो पहली बात क्या है जो खटक गई, जिसके बाद आप ये दावा करते हैं कि आप वो पहली शख्स हैं जिन्होंने ये कहा था कि सुशांत सिंह ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उनकी हत्या की गई है? देखिए, जब मुझे पता चला कि न्यूज में आया कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर ली, मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी बच्चियां उसको मिली थी यहाँ जब ये लंदन में आया था धोनी के बाद। तो वो लोग बड़ी कह रही थी, वो मम्मी हिस्सों, और मेरी बच्ची जिया ने उसकी फिल्म देखी थी काई पोचे, कहती है माँ इतना हसीन, इतना टैलेंटेड लड़का है। तो उस बात पे भी उसका जो उस बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली था बुरा मान गया कि ये किसी और एक्टर की क्यों तारीफ कर रही है। तो अब मैं एक बात बता रही हूँ, जब मैंने ये बात सुनी कि इसने या ऐसे शख्स ने आत्महत्या कर ली, तो फौरन मैंने कहा नहीं, ये आत्महत्या हो ही नहीं सकती है, ऐसा लड़का जो इतना होनहार। राबिया जी, एक आखिरी सवाल आपसे, बॉलीवुड में एक गैंग चलता है, उस गैंग की वजह से आपने तब भी आरोप लगाया था कि जिया खान को मारा गया, जो आपका आरोप था, वो गैंग कौन है? सुशांत सिंह मामले में भी आप उस गैंग का हवाला दे रही हैं, वो गैंग कौन है, उस गैंग को लीड कौन करता है? देखो, हमारी बच्ची को तो हमने बताया कि सुशांत को और जिया खान को मारा गया है। अब पुलिस जिस तरह बिहेव कर रही है, उनके उनके रवैया से नजर आ रहा है कि जिसने मारा है वो डेफिनेटली बॉलीवुड कबाल या बॉलीवुड माफिया का ही के अंदर का ही बंदा है, इसीलिए तो इतना कवर अप हो रहा है। और ये बॉलीवुड माफिया जो है, जब सीबीआई सूरज पंचोली को इंटरोगेट करना चाह रही थी और सीबीआई के पास हमारा केस चला गया था, तो कौन उनको फोन करके कह रहा था कि इसको इंटरोगेट ना करो, हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, हम इसके पर इतना पैसा लगा रहे हैं, आप इंटरोगेट ना कीजिए, इसकी मानसिक स्थिति को खराब ना कीजिए। क्यों क्यों कहा जा रहा है उनको, क्यों पॉलिटिकल दबाव आ रहा है सीबीआई एक ऑफिसर के ऊपर? ठीक है, आप समझ रहे। तो मैं कह रही हूँ कि सीबीआई एक ऑफिसर दबाव में आ सकता है, इंस्टीट्यूट तो नहीं आ सकता ना। ठीक है, एक बम्बई, ठीक है, ये अधिकतर लोगों की मांग है कि सीबीआई इस पूरे मामले में जांच करे और सच सामने लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया राबिया जी हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए।